नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच, स्वागत करती हूं आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में। जानने के लिए अगस्त 31 का खास पाठ। 31 अगस्त 1956 इस दिन भारत के राष्ट्रपति ने राज्य पुनर्गठन विधेयक को अपनी सहमति दी थी, जिसे अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम के रूप में जाना जाता है। यह भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को भाषाई आधार पर व्यवस्थित करता था। आज़ादी से पहले ब्रिटिश इंडिया, जिसमें वर्तमान भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार शामिल थे, दो प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित था। ब्रिटिश भारत के प्रांत, जो सीधे भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा शासित होते थे, और दूसरे भारतीय राज्य, जो स्थानीय वंशानुगत शासकों के शासन के अधीन थे, जो अपने स्वयं के क्षेत्रों पर निरंतर अधिकार के बदले में ब्रिटिश आधिपत्य को मान्यता देते थे, जो ज्यादातर मामलों में संधि द्वारा स्थापित होता था। आज़ादी के बाद अंग्रेजों ने 500 से अधिक रियासतों के साथ अपने संधि संबंधों को समाप्त कर दिया, जिन्हें भारत या पाकिस्तान में बिना किसी बाध्यता के किसी एक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अधिकांश राज्य भारत में और कुछ पाकिस्तान में शामिल हो गए। भूटान, हैदराबाद और कश्मीर ने स्वतंत्रता का विकल्प चुना, लेकिन बाद में भूटान स्वतंत्र रहा, हैदराबाद भारत में विलय हो गया और कश्मीर की स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का विषय बन गई। 26 जनवरी 1950 के संविधान ने 4 मुख्य प्रकार से राज्यों और क्षेत्रों के बीच अंतर किया, लेकिन भाषाई आधार पर राज्यों को संगठित करने की मांग भारत की आज़ादी मिलने से पहले से शुरू थी। पहला भाषाई आंदोलन 1895 में शुरू हुआ था और 1936 में उड़ीसा प्रांत पहला भारतीय राज्य बना था। स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर नए राज्यों के निर्माण के लिए राजनीतिक आंदोलन का उदय हुआ। मद्रास राज्य के उत्तरी भाग को अलग करके 1953 में मद्रास राज्य के 16 उत्तरी तेलुगु भाषी जिले मिलकर एक नया आंध्र राज्य बन गए। सबसे लोकप्रिय मांगों में से एक भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना था। फलस्वरूप 31 अगस्त 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम को अधिनियमित किया गया। और अंत में क्या आप जानते हैं, 31 अगस्त 1897 को थॉमस एडिसन को काइनेटोग्राफिक कैमरे के लिए एक पेटेंट प्राप्त हुआ था, और 31 अगस्त 1920 को पहले रेडियो समाचार कार्यक्रम 8 एम के स्टेशन द्वारा प्रसारित किया गया था।